छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के बलरामपुर क्षेत्र यानी कि बलरामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहाँ पुलिस बल के जवानों ने, अधिकारियों ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो लगातार इस क्षेत्र में माओवादी चहलकदमी को अंजाम दे रहा था। यानी कि 4 जुलाई और 13 जुलाई को इस व्यक्ति ने इस क्षेत्र के एक माइंस लोकेशन में पर्चे फेंके थे और गाड़ियों को आग के हवाले किया था। ऐसे में इस पूरे मामले में बलरामपुर पुलिस ने टाटीझरिया माइंस में कुछ लोगों के द्वारा गाड़ियों को आग के हवाले करने, पर्चे फेंकने समेत कई मामलों को लेकर अपराध दर्ज किया था। ऐसे में अपराध दर्ज करने के बाद इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति जो झारखंड जनमुक्ति परिषद यानी कि प्रतिबंधित संगठन का है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इसे पूछताछ कर रही है। साथ ही बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार नक्सली यानी कि आरोपी का नाम सत्यनारायण यादव उर्फ बालाजी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चाहे बस्तर हो और चाहे वो सरगुजा हो, किस तरह से माओवादी क्षेत्रों में दहशतगर्दी को अंजाम देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।